हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी चैनल ऑल इन वन ग्रो पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की कचौड़ी। ये कचौड़ी बहुत टेस्टी बनती है। इससे पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो हम डालें आप तक पहुँचे, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। ये मैदा लिया है मैंने 2 कप, मूंग दाल ली है, इसे 2 घंटा पहले फुला के सारा पानी निकाल दिया है। ये अच्छी तरीके से फूल गई है। ये मोयन के लिए तेल लिया है, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 4 से 5, जीरा 1 टीस्पून, बेसन 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, धना 1 टीस्पून, हींग, अदरक कुटा हुआ, थोड़ी सी चीनी, गरम मसाला। चलिए हम पहले कचौड़ी का आटा लगा लेते हैं। मैदा लेंगे, तेल लेंगे, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने मैदे को अच्छा मोइन कर लिया है। इस प्रकार से लड्डू बनना चाहिए, तो आपका मोइन अच्छे से है। तो अब हम इसे डो तैयार कर लेंगे। हमें चपाती की तरह डो बनाना है। आटा हमने तैयार कर लिया है, अब हम इसे रख देंगे, मैदा हमारा अच्छे से फूल जाए। ताकि मूंग दाल लेंगे हम इसे हल्का सा 1 से 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। गैस ऑन कर दिया है, अब हम इसे घुमाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा पकाना है दाल को। दाल को हमने 2-3 मिनट पका लिया है इस तरह से। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लेते हैं। एक तवा लिया है, गैस ऑन कर दिया है। जीरा लेंगे, धना लेंगे, सौंप लेंगे, सभी को हल्का सा भून लेंगे। मसाले हमारे भुंज गए हैं, हम गैस बंद कर देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। हमने इन्हें दरदरा पीस लिया है। दाल का पानी हमने निकाल दिया है, दाल हमारी ठंडी हो गई। अब हम इसे भी दरदरा पीस लेंगे। हमें इसे दरदरा ही पीसना है। दाल हमारी ठंडी हो गई है, दाल का पानी हमने निकाल लिया है, अब हम इसे दरदरा पीस लेंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया है, गैस ऑन कर दिया है। तेल लिया है 1 बड़ा चम्मच, हींग डालेंगे, हरी मिर्च लेंगे, अदरक डालेंगे, धनिया
इनको चला लिया है हमने। बेसन लेंगे, बेसन को भी एक मिनट पका लेंगे। बेसन हमारा पक गया है, बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम दाल डालेंगे। दाल को भी मिक्स कर लेंगे। दाल को हमने 2-3 मिनट चला लिया है। अब नमक लेंगे, नमक स्वाद अनुसार। इसे भी चला लेंगे। अब दाल को अच्छे से पका लेंगे। दाल को हमने अच्छे से चला लिया है, दाल हमारी हल्की सी पक गई है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। हमारा तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। धनिया पत्ती, इसे अच्छे से चला लेंगे। लाल मिर्च पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को पकने तक भूंजेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से भूंज गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी डालकर भी हम इसे 2-3 मिनट चला लेंगे। देखिए ये तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तेल लिया है, गैस ऑन कर दिया है, तेल को गर्म होने देंगे। आटा हमारा तैयार है, अब हम कचौड़ियाँ बना लेते हैं। देखिए हमने तैयार कर लिए हैं लोई, अब हम इन्हें बनाएंगे। देखिए हमने सभी को पूड़ी के आकार का बना लिया है। अब इन्हें रख लेंगे और एक एक करके बना दे जाएंगे। हमने 1 चम्मच फिलिंग ली, अब इसे बंद कर देंगे हम। देखिए हमने इसे बंद कर दिया है। अब हाथों की सहायता से इस तरह दबा देंगे। ये तैयार है। अब इस प्रकार हम सारी बना लेंगे। इसे भी बंद कर लेंगे। सभी को हमने तैयार कर लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया, हम कचौड़ियाँ डालेंगे। हमें इन्हें धीमी आंच पर ही पकाना है।
देखिए कचौड़ियाँ हमारी फूल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे और पलटते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। कचौड़ी हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कचौड़ियाँ फूल के ऊपर आ गई हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे और पलटते हुए गोल्डन होने तक सेकेंगे। फिर से कचौड़ी सिक गई है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कचौड़ियाँ बनके तैयार हैं। आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।